हेलो एवरीवन, आज मैं फिर आपके सामने लाई हूँ कक्षा एक पाठ मीना की दुकान की शिक्षण योजना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर चार कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में दिनांक, दूसरे में कक्षा, तीसरे में विषय और चौथे कॉलम में समय लिखेंगे। दिनांक में जिस दिन पढ़ाया जाएगा, कक्षा में 1, विषय में कल रहा, समय में 40 मिनट। अब इसका पहला हेडिंग रहेगा लर्निंग आउटकम। इसमें रहेगा बच्चे विभिन्न मुद्रा को जान सकेंगे, बच्चे मुद्रा की कीमत के साथ गिनती भी सीख सकेंगे, बच्चे विभिन्न तरह की मुद्राओं और सिक्कों पर अंकित कीमतों के हिसाब से उनका मूल्य जान सकेंगे। तो ये सब लर्निंग आउटकम रहेंगे। अब दूसरी हेडिंग रहेगी प्रकरण। प्रकरण में लिखेंगे मीना की दुकान। इसके बाद तीसरी हेडिंग सीखने सिखाने की सामग्री। विभिन्न तरह सिक्के, 5 रुपये के, 10 रुपये के, 2 रुपये के, 1 रुपये के और नोट 5 रुपये के, 10 रुपये के, 20 रुपये के इत्यादि आप ले सकते हैं और भी ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है। और पाठ्यपुस्तक, शब्द कार्ड, वीडियो, दीक्षा ऐप आदि, ये सब भी आप सीखने सिखाने की सामग्री में प्रयोग कर सकते हैं। अब आते हैं चौथी हेडिंग, सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं और गतिविधियां। ये सबसे मेन हेडिंग रहती है शिक्षण योजना की। तो चलिए देखते हैं इसको। इसमें भी हम चार कॉलम खींच लेंगे। सबसे पहले कॉलम में क्रम, दूसरे में चरण, तीसरे में समय और चौथे में आकलन का तरीका। क्रम में का लिखेंगे, चरण में शिक्षण के शुरुआत में, समय में 10 से 15 मिनट और आकलन का तरीका में लिखेंगे सहभागिता व सुनकर। अब शिक्षण के शुरुआत में लिखेंगे, शिक्षिका बच्चों से सर्वप्रथम निम्न प्रश्न करेगी। पहला प्रश्न, बच्चों जो आपके पास कलम है कहाँ से लाए। दूसरा प्रश्न, दुकान से कलम कैसे मिला। तीसरा प्रश्न, कलम आप लोगों ने कितने रुपए में खरीदी। फिर शिक्षिका बच्चों को विभिन्न तरह के नोट व सिक्के दिखाएगी। इसके बाद क्रम में खा लिखेंगे और चरण में शिक्षण के दौरान, समय में बेसमेंट और आकलन का तरीका में प्रतिक्रिया देखकर। शिक्षण के दौरान में लिखेंगे, फिर शिक्षिका बच्चों को विभिन्न तरह के नोट व सिक्के दिखाएगी तथा उस पर अंकित जो गिनती है उसके विषय में भी विस्तार से समझाएगी कि नोट व सिक्के जितनी गिनती लिखी होती है वही उस नोट व सिक्के की कीमत होती है। वह पाठ्यपुस्तक में बनी विभिन्न चित्रों पर अंकित कीमत को दिखाएगी तथा समझाएगी कि इसका मतलब है अमुक खिलौना कितने का है और हमें कितने रुपए देने होंगे। वह विभिन्न सिक्कों, 1 रुपये, 2 रुपये की सहायता से साधारण जोड़ भी करना सिखाएगी। शिक्षिका बच्चों को 2 रुपये और 5 रुपये का सिक्का दिखाते हुए बच्चों से पूछेगी कि कुल कितने रुपये हुए। फिर क्रम में गा लिखेंगे, चरण में शिक्षण के अंत में, समय में 10 मिनट और आकलन का तरीका में प्रश्न पूछकर। शिक्षण के अंत में लिखेंगे, शिक्षिका बच्चों से निम्न प्रश्न करेगी नोट व सिक्के दिखाते हुए। पहला प्रश्न, ये सिक्का कितने रुपए का है, यह नोट कितने रुपए का है। तीसरा प्रश्न, अगर 2 रुपये और 5 रुपये को जोड़ दे तो हमारे पास कितने रुपये हो जाएंगे। इसके बाद फिफ्थ हेडिंग, प्रदत्तकार, गृहकार और असाइनमेंट। इसमें लिखेंगे, पहला प्रश्न, सिक्कों और नोट पर आगे पीछे किसका चित्र बना होता है पता करके लाइए, लिखिए कॉपी में। और दूसरा, जोड़ करके बताइए कि कितना होगा। इसमें ऊपर हेडिंग में रुपए लिख देंगे, फिर इसके नीचे संख्या लिखेंगे, जैसे 2 और 3, इसको जोड़िए, जोड़ के बताइए कुल कितना रुपया हुआ। फिर दूसरा, 5 और 2, जोड़िए कुल कितना रुपया हुआ। फिर ऐसे ही 4 और इसके नीचे 3 लिखिए और जोड़िए कुल कितना रुपया हुआ। फिर सबसे लास्ट हेडिंग रहेगी शिक्षक की आगामी योजना। इसमें लिखा जाएगा, शिक्षण में आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखकर, आकलन व फीडबैक को ध्यान में रखकर कार्य योजना का निर्माण, और दूसरा रहेगा कार्य योजना का क्रियान्वयन। आई थिंक आपको ये मेरी वीडियो शिक्षण योजना की पसंद ज़रूर आई होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।